हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो रिलेटेड है सैमसंग कैमरा की प्रॉब्लम से। दरअसल सैमसंग में कैमरा में ग्रीन स्क्रीन शो हो रही है। जब भी कोई पिक्चर क्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे ग्रीन कलर शो हो रहा है। तो आज की वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताऊँगा कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या नहीं। दरअसल मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा आज की वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताऊँगा। पर मेरा यह जो डिवाइस है वो रेडमी का है, पर जो फीचर बताऊंगा, जो स्टेप बताऊंगा, उस स्टेप की ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले कैमरा ओपन कर लेना है। कैमरा ओपन करने के बाद हमें कैमरा की सेटिंग पे जाना है। कैमरा की सेटिंग पे जाने के बाद हमें मल्टीपल टाइप्स के ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पर नीचे स्क्रोल डाउन करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। तो आपको जो अपनी कैमरा की सेटिंग है उसको रीसेट कर देना है। तो यहाँ पे अपनी सेटिंग रीसेट करने के बाद हमें यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद हमें यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है अपने ऐप की, और जो कैमरा ऐप है उसकी सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के ऑप्शन देखेंगे, स्टोरेज, ऐप परमिशन, रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले स्टोरेज पर जाना है। स्टोरेज का क्लियर कैच कर दीजिएगा। स्टोरेज क्लियर कैच करने के बाद यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की परमिशन हमें शो होंगी। तो हमें क्या करना है कि वन बाय वन सारी परमिशन इनेबल कर देनी है। ध्यान रखना है कि कोई भी परमिशन डिनाई नहीं करनी है। इसके बाद अदर परमिशन पे भी सेम स्टेप फॉलो करने हैं, और यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद एक ऑप्शन देखेगा रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज का। तो हमें क्या करना है, इस ऑप्शन पर टैप कर देना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसको वाईफाई और मोबाइल डाटा का ऑप्शन देखेगा, इनको इनेबल कर दीजिएगा दोनों को। ये सब करने के बाद एक बार अपने कैमरा को फुल स्टॉप करें और डिवाइस को रीस्टार्ट करें। डिवाइस को रीस्टार्ट करने के बाद फिर से एक बार कैमरा को यूज़ करें, आपकी सारी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।